ఉలగమూయి పరిశుభ్రముగాయి చేదుగు గంధమూల ఫలుగాయి జగులయావం సీతై దేఖి ये था 6 दिसंबर का दिन 1992 का दिन था। उस दिन से हमने अन्न को बस उसी दिन हमने भोजन नहीं किया और उसके बाद फिर भोजन नहीं किया। उसके बाद फिर केवल फल और उसमें रहे, हम फल में रहे। उसके बाद हम फल लेते रहे और अभी तक मतलब फल लेने के बाद भी इसके बाद भी आया था निर्णय कि हो गया, फिर इसके बाद भी व्रत का समापन नहीं कर पाए। उनको वहाँ पहुँच जाएँ बस, इतने साल से संघर्ष किया हमने तो वहाँ जाके हम व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं। मुझे आए हुए तो अभी 17-18 साल हुए हैं। उसी दौरान मैंने देखा, हालांकि ये पहले पूरी तरह से सेल्फ डिपेंड थी, मतलब जो ये फल और इस तरह का ग्रहण करती थी इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी, मतलब किसी तरह से किसी का सहयोग नहीं लेती थी अपने दैनिक कार्यों में। बस अभी कुछ 3-4 साल से ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि शरीर इनका कमज़ोर हो गया है। थोड़ा सा एक हमारी खुटिया, हमारी थोड़ी सी जगह वहाँ बन जाए कि हम कभी जा पाएँ वहाँ तो वहाँ रुक पाएँ। जैसे तीर्थ स्थान बन रहा है तो हमारे ठहरने की जगह बन जाए और हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर हम जितना जीवन है वहाँ पर व्यतीत करें, बचा हुआ जीवन जो अभी भी जितना भी एटी टू जितना भी हो रहा है उसके बाद का जीवन। गृहस्थी में तो अब इतना साल इतने वर्ष रह चुके, गंगा सदियों स्नान करें और अपने यहाँ पर किनारे से हमारे लिए एक जगह बन जाए तो वहाँ हम रहना चाहते हैं। तो हमारे लिए वो जगह का आप लोग अगर वहाँ पर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा।